तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन लगता है शायद युवाओं को भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो विरोध प्रकट कर रहे हैं। सीधा हम बिहार का रुख करेंगे, आरा। आरा चलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार में ही विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है और छात्र इस वक्त सड़कों पर भी उतारू हैं और कई जगह हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ भी हुई है, पत्थरबाजी भी हुई है और ट्रेन को आग के हवाले भी किया गया है। आरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह जुड़ रहे हैं। रोहित, अभी ताजा हालात क्या है? पुलिस प्रशासन क्या किस तरह से व्यवस्था संभाले हुए है और क्या अभी बवाल थम गया है या अभी जारी है? आशुतोष, देखिए बवाल पिछले दो घंटे से तो थम चुका है और जितने भी भीड़ थी, जैसे मॉब कह सकते हैं, उपद्रवी जो रेलवे स्टेशन पर जिन्होंने हमला बोला था, वो अब तितर बितर कर दिए गए हैं और प्रशासन ने जो है कमान संभाल ली है और ट्रेनों की जो आवाजाही भी है वो रेलवे स्टेशन पर वो उससे शुरू हो चुकी है। लेकिन आज सुबह से तकरीबन 4-5 घंटों के लिए जो आरा रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था और जिस तरीके का उत्पात मचाया है, हमने तस्वीरें भी दिखाई है कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई, बुकिंग सेंटर्स जो होते हैं, टिकट बुकिंग सेंटर्स, उसके शीशे तोड़ दिए गए और जमकर जो है स्टेशन पर पत्थरबाजी हुई और जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। और ऐसी हालात सिर्फ आरा में ही नहीं, बिहार के तकरीबन एक दर्जन जिलों में जो है इसी तरीके के हालात आज बने रहे। गोपालगंज हो, कैमूर हो, छपरा हो, इन तीन जिलों में तो ट्रेन के बोगियों को भी जो है आग के हवाले कर दिया गया। तो इंटरसिटी एक्सप्रेस को आग के हवाले किया गया। एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे रोहित, वहां पर जानकारी मिली कि जो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां जो दुकानें होती हैं, वहां भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, पैसे भी लूट लिए गए, ऐसी भी सूचना मिली है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, आरा रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे जो छोटे छोटे दुकानें बने रहती हैं, हमारे और आपके सुविधा के लिए खाने पीने की चीजें वहां मिलती हैं, उसमें से आधा दर्जन दुकानों पर हमला बोल दिया उपद्रवियों ने और जमकर तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए और लूटपाट भी मचाया। हमने दिखाया किस तरीके से दुकानदार वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे और उन्होंने बताया किस तरीके से हजारों की संख्या में मानो वहां पे नौजवान आ गए हो, आक्रोशित नौजवान। संचालन की स्थिति क्या है ट्रेनों के संचालन की स्थिति क्या है, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, जो मुसाफिर हैं अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि ट्रेन संचालन इस पर ठप कहीं ना कहीं थी, अभी किस तरह की स्थिति है? देखिए, अब धीरे धीरे जो है ट्रेनों की आवाजाही जो है दिल्ली और हावड़ा रूट पर जो कि आरा से होकर गुजरता है उस पर अब शुरू हो चुकी है, लेकिन 5-6 घंटों के लिए तो पूरी तरीके से ट्रेन का परिचालन इस रूट पर बंद था और जो मुसाफिर थे जिन्हें ट्रेन पकड़ना था वो तो ट्रेन स्टेशन के अंदर घुसने में भी जो है वो घबरा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके के हालात स्टेशन के अंदर बने हुए थे वो बिल्कुल भयानक और डराने वाली तस्वीरें हमने देखी है वहां पर। आज आशुतोष, क्या पत्थरबाजी भी हुई, कुछ जख्मी भी हुए और पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर बात करें वहां पर छात्रों की संख्या कितनी होगी उस वक्त रोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने तादाद में होंगे छात्र? देखिए, पत्थरबाजी जहां तक बात है आशुतोष, वो तो जमकर हुई है और खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे तो चारों तरफ हमने दिखाया, तस्वीरें भी हमने दिखाई है कि किस तरीके से चारों तरफ पत्थर फेंके हुए हैं और शीशे तोड़ दिए गए, बुकिंग सेंटर्स के शीशे तोड़े गए, पटरियों पर दो चक्का वाहनों को जो है उसे फेंक के आग के हवाले कर दिया गया। तो इस तरीके की तस्वीरें, एक छोटा सा सवाल चलते चलते, क्योंकि इस घटनाक्रम को लेकर सियासत भी हमें देखने को मिल रही है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी बैकअप था? देखिए, अभी ये स्पष्ट रूप से कहना ये संभव नहीं है कि क्या किसी राजनीतिक दल ने इसमें जो छात्र जो है उग्र छात्र उसमें उनका समर्थन किया है या नहीं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जरूर थे जो कि स्टूडेंट्स की आड़ में, यानी कि नौजवान छात्रों की आड़ में उसमें घुस गए थे उपद्रवी तत्व और उन्होंने जो है भारी जो है उपद्रव मचाया। निश्चित तौर पर रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। और छात्रों को भी देखिए समझना होगा कि उनको अपनी बात रखने का हक तो है, लेकिन शांतिपूर्वक ये तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी और ट्रेनों को आग के हवाले करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और राष्ट्रीय संपत्ति को फूंक देना, ये किसी के हित में नहीं है, ना आपके, हमारे और देश के हित में नहीं है।